Hello students, hope you all are fit and fine at your home. Now our today's topic of discussion is the different number of the cells connected in the series as well as connected in parallel. First of all, we will discuss about the various cells which are connected in series and what will be the formula of the equivalent EMF and the equivalent resistance if we connect same cells in series and also if we connect the different cells in series. So सबसे पहले हमने क्या करना है, सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करना है. अब हमने फर्स्ट इसमें केस ये सपोज करना है कि हमारे पास आइडेंटिकल सेल्स हैं. हमने सपोज कर दिया कि हमने n सेल्स को आइडेंटिकल सेल्स को कनेक्ट किया है सीरीज के अंदर. जैसा कि आप डायग्राम में देखेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट सेल है. दिस इज द फर्स्ट सेल विच इज C1, जिसकी EMF की वैल्यू को हमने E सपोज किया और इंटरनल रेजिस्टेंस को R सपोज किया है. दिस इज अवर सेकेंड सेल, जिसकी EMF अगेन E और इंटरनल रेजिस्टेंस R ही है, क्योंकि हम आइडेंटिकल सेल्स को कनेक्ट कर रहे हैं. हमारा फर्स्ट केस यही है कि वी आर कनेक्टिंग द आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज और इन आइडेंटिकल सेल्स का जो हमने नंबर सपोज किया है वो क्या है, स्मॉल n, कि स्मॉल n सेल्स को हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं. तो लास्ट सेल है आपके पास ये, ठीक है, जिसका EMF अगेन E और इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r. तो दिस लास्ट सेल इज CN. तो ये पहला सेल है C1, दूसरा सेल C2, तीसरा सेल C3 एंड सो ऑन. आपके पास लास्ट सेल क्या है, CN. अब हमने ये चीज सॉल्व करनी है कि अगर हम ऐसे सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो टोटल EMF सर्किट की क्या होगी और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट का क्या होगा. तो यानी इस पूरे सर्किट को हम कंसीडर कर सकते हैं कि इन सभी सेल्स को जोड़ के या मर्ज करके अगर हम एक ही सेल बनाएं विच विल बी द इक्विवेलेंट सेल ऑफ दिस सर्किट, तो उस इक्विवेलेंट सेल का जो EMF होगा उसकी वैल्यू E इक्विवेलेंट हमने सपोज कर दी, जो हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज इट्स एक्सप्रेशन, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस इन सभी सेल्स की है उसकी वैल्यू या उसके लिए हमने सिंबल क्या डिसाइड कर लिया, आर इक्विवेलेंट. तो हमारा टारगेट क्या है कि हमें E इक्विवेलेंट का एक्सप्रेशन और आर इक्विवेलेंट का एक्सप्रेशन ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है. तो दिस इज आवर टारगेट टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ E इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट. तो पहले हमें ये लिखना है कि टोटल EMF, अब सिंस वी आर कनेक्टिंग ऑल द सेल्स इन सीरीज तो क्या लिखेंगे, टोटल EMF ऑफ स्मॉल n सेल्स इन सीरीज, जिसके लिए सिंबल हमने चूज किया E इक्विवेलेंट. अब जब हम सभी सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब सभी सेल्स का जो एक सेल का नेगेटिव है वो दूसरे सेल के पॉजिटिव रॉड के साथ कनेक्ट हो रहा है, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, एंड साइमल्टेनियसली ये प्रोसीजर जो है वो आगे फर्दर चल रहा है. तो यानी EMF, फर्स्ट सेल की EMF कितनी है, E, सेकंड की भी E, सो ऑन E, कितनी बार ऐड करेंगे, N बार. अगर हम N टाइम्स E को ऐड करेंगे तो टोटल इक्विवेलेंट EMF आपके पास क्या आ जाएगी, स्मॉल n मल्टीप्लाइड विद कैपिटल E, जहां पे कैपिटल E इज द EMF ऑफ वन सिंगल सेल एंड स्मॉल n क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड ऑल दीज सेल्स आर आइडेंटिकल. टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड वी ऑल नो दैट कि जब भी हम सीरीज में रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है, सभी रेजिस्टेंसेस का सम हो जाती है. इसका मतलब अगर हम n सेल्स को कनेक्ट कर रहे हैं जिनकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल r है हर एक सेल की, तो r इक्विवेलेंट यानी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द स्मॉल n सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज विल बी इक्वल टू स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस स्मॉल r. कितनी बार ऐड होंगे ये, n टाइम्स ऐड होंगे, तो टोटल आंसर क्या बन गया, स्मॉल n टाइम्स ऑफ स्मॉल r. अब सिंस अगर हम इस सर्किट में ध्यान दें तो आपके पास सभी सेल्स को जोड़ के आपने एक इक्विवेलेंट सेल बनाया जिसकी इक्विवेलेंट EMF की वैल्यू E इक्विवेलेंट है और इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है, लेकिन इस सेल से करंट को स्नैच करने के लिए हमने एक्सटर्नल रेजिस्टर भी लगाया हुआ है. उस एक्सटर्नल रेजिस्टर की वैल्यू को हमने क्या सपोज किया, कैपिटल R. तो ये कैपिटल R रेजिस्टर क्या करेगा, इन सभी सेल्स से करंट I स्नैच करेगा. अब टोटल EMF सर्किट की अगर हम देखें तो वो E इक्विवेलेंट है, और टोटल रेजिस्टेंस अगर हम सर्किट का देखें तो सेल्स का रेजिस्टेंस यानी दिस R इक्विवेलेंट और एक्सटर्नल रेजिस्टर दिस कैपिटल R, दीज बोथ रेजिस्टर्स आर एक्चुअली कनेक्टेड इन सीरीज. तो लिखेंगे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ आवर सर्किट, अपने सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी, एक तो कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टर, क्योंकि इसका काम है करंट को निकालना, करंट को ड्रॉ करना सर्किट में, और R इक्विवेलेंट हमारे पास सभी सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंसेस का सम है. तो R इक्विवेलेंट का एक्सप्रेशन हम निकाल चुके हैं, व्हिच इज स्मॉल n टाइम्स ऑफ R, तो ये बन गया कैपिटल R प्लस स्मॉल n टाइम्स ऑफ R. तो टोटल रेजिस्टेंस हमें मिल चुकी है और टोटल EMF की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है. अब अगर हमें टोटल वोल्टेज सर्किट की पता है और टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की पता है तो आपके पास करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इज टोटल EMF या टोटल वोल्टेज विद इन द सर्किट डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट. तो टोटल करंट ऑफ द सर्किट इज कैपिटल I, ये क्या बन जाएगा, टोटल EMF ऑफ सर्किट इज E इक्विवेलेंट एंड टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की क्या है, कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टर प्लस स्मॉल n इनटू R, ये हमने अभी सॉल्व किया था.
टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. तो E इक्वलेंट की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें इस इक्वेशन से, तो वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल n इंटू E डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल n इंटू R. तो ये आपके पास सीरीज में अगर हम n आइडेंटिकल सेल्स को कनेक्ट करते हैं तो आपके पास करंट का एक्सप्रेशन ये निकलता है. अब इस करंट के एक्सप्रेशन के बाद आपके पास टू केसेस फर्दर बनते हैं कि फर्स्ट केस में हमने ये सपोज करना है कि एक्सटर्नल रेजिस्टर की वैल्यू जो है, एक्सटर्नल रेजिस्टर यानी कैपिटल R की वैल्यू आपके सभी सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस के सम की वैल्यू से ज्यादा है. इसका मतलब इन फर्स्ट केस वी आर सपोजिंग दैट द एक्सटर्नल रेजिस्टर यानी द रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टर इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सम ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंसेज ऑफ ऑल द सेल्स. यानी कैपिटल आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल एन इनटू आर, क्योंकि ये स्मॉल एन इनटू आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल्स की है. और ये कैपिटल आर आपके पास क्या है, दिस कैपिटल आर इज योर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो हमने ये सपोज करना है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंसेस के सम से ज्यादा है. तो अगर कैपिटल आर एन आर से बड़ा होगा बहुत ज्यादा, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल एन आर इन दोनों का जो सम ये डिनोमिनेटर में अपीयर हो रहा है, इसकी जगह पे हम इस वाले फैक्टर को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला फैक्टर हमने क्या सपोज किया, इट इज क्वाइट स्मॉल. तो यानी हमने कैपिटल आर प्लस स्मॉल एन इंटू आर की जगह पे सिर्फ एक ही वैल्यू कंसीडर कर लेनी है, वो क्या है, कैपिटल आर. इन दैट केस करंट का अप्रोक्सीमेट आंसर क्या बन जाएगा, दैट इज स्मॉल एन इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर. अगर हम स्मॉल एन को बाहर निकालें तो ये बन गया कैपिटल ई अपॉन कैपिटल आर. इसका मतलब क्या है कि आपके पास टोटल करंट इस केस के अंदर जब आपने एक्सटर्नल रेजिस्टर की वैल्यू को इंटरनल रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज के सम से काफी बड़ा सपोज किया है, तो आपके पास टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल यानी आई वो किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल एन. स्मॉल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज मल्टीप्लाइड विद करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल. क्योंकि अगर हम ये सपोज करें कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू है ही नहीं, या स्मॉल आर की वैल्यू बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल है कि उसे हम इग्नोर कर सकते हैं, तो आपके पास सर्किट में सिर्फ एक ईएमएफ सेल का टोटल ई है, कैपिटल ई, ईएमएफ सिंगल सेल का, और जो रेजिस्टर लगा रह जाएगा अगर ये चीज नेग्लिजिबल हो जाए, मतलब आर इक्विवेलेंट अगर नेग्लिजिबल हो जाए तो इसे आप इग्नोर कर देंगे. अगर हम इसे इग्नोर कर दें तो सिर्फ सर्किट में एक ही रेजिस्टर रह गया, दैट इज कैपिटल आर. इसका मतलब सिंगल सेल का करंट क्या होगा, सिंगल सेल की वोल्टेज डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस पूरे सर्किट में काम कर रही है, अब वो एक ही रेजिस्टेंस रह गई है विच इज कैपिटल आर. अब कैपिटल ई अपॉन कैपिटल आर आपके पास किसके बराबर है, दैट इज द करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल. इसका मतलब जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टर को सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू से ज्यादा बड़ा सपोज कर लेते हैं, तो आपके पास टोटल करंट जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, स्मॉल एन टाइम्स द करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल. इसका मतलब इस केस में हमें बेनिफिट हो रहा है कि हम एन सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा करंट एन टाइम्स बढ़ रहा है. वो कब बढ़ेगा, जब आप एक्सटर्नल रेजिस्टर को इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा बड़ा सपोज करेंगे. अब हमने केस टू ये सपोज करना है कि आपका एक्सटर्नल रेजिस्टर जो कैपिटल आर है, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंसेज ऑफ सेल. मतलब कैपिटल आर मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टर, कि इस केस में हमने एक्सटर्नल रेजिस्टर को छोटा सपोज कर लिया एज कम्पेयर टू इंटरनल. जो सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंसेज हैं उससे हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेज को क्या सपोज कर लिया है, छोटा सपोज कर लिया. तो इन दैट केस कैपिटल आर प्लस स्मॉल एन इनटू आर में आपका ये वाला फैक्टर अब बड़ा हो गया और कैपिटल आर फैक्टर छोटा, तो इग्नोर कर सकते हैं हम कैपिटल आर को. तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल एन इनटू आर को हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एन टाइम्स ऑफ आर. तो करंट आपके पास क्या बन जाएगा, स्मॉल एन इनटू ई डिवाइडेड बाय स्मॉल एन इनटू आर. स्मॉल एन और स्मॉल एन कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आ गया, कैपिटल ई अपॉन कैपिटल आर, विच इज एक्चुअली इक्वल टू करंट ड्यू टू सिंगल सेल. क्योंकि सेकेंड नंबर केस में हमने ये चीज सपोज की है कि आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टर बहुत छोटा है, तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टर बहुत ही ज्यादा छोटा है तो ऐसे बिहेव करेगा कि ये सर्किट में है ही नहीं. जब आपके पास सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टर ही नहीं है, तो एक सेल अगर आपके पास हो जिसकी ईएमएफ की वैल्यू ई हो और रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आर हो, तो करंट कैसे लिखते हैं, करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ दैट इज ई ड्यू टू सिंगल सेल डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट इज इन ऑफ द सर्किट दैट इज स्मॉल आर. यानी अगर एक सेल ईएमएफ ई का जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर सर्किट में है बस यही है, तो आप करंट को कैसे लिखेंगे, ई अपॉन आर. इसका मतलब एन सेल्स को कनेक्ट करने के बावजूद भी एन सेल्स जिनके हरेक की ईएमएफ की वैल्यू जो है वो कैपिटल ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल आर है, इस केस के अंदर एन सेल्स को कनेक्ट करने के बावजूद भी हमें करंट एक ही सेल के बराबर मिल रहा है. इसका मतलब इस केस में हमें नुकसान हो रहा है,
और वो नुकसान किस लिए हो रहा है, क्योंकि हमने एक्सटर्नल रेजिस्टर को इंटरनल रेजिस्टेंसेस के सम से क्या सपोज किया है, छोटा। तो आपने ये पॉइंट जरूर याद रखना है कि जब भी हम एन सेल्स को सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं, आप इन दोनों केसेस के बीच में डिस्टिंग्विश ये देखिए कि अगर हम एन सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमें फायदा यानी करंट ज्यादा सिर्फ तभी मिल सकता है जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टर की वैल्यू को इंटरनल रेजिस्टेंसेस के सम से क्या सपोज करें, ज्यादा। अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टर को इंटरनल रेजिस्टेंसेस के सम से कम सपोज कर लेंगे, काफी कम, तो उस केस में एन सेल्स का करंट जो है वो एक सेल के करंट जितना ही होगा, इसका मतलब हमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो सीरीज में बेनिफिट सिर्फ तब होता है जब आप एक्सटर्नल रेजिस्टर की वैल्यू को ज्यादा रखते हैं एज कम्पेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंसेस। उसके बाद अब हमने ये केस में तो ये सीखा है कि आइडेंटिकल सेल्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करें तो क्या होगा, आपके पास इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस का आंसर एंड टोटल करंट का आंसर। अब हमने डिफरेंट सेल्स को कनेक्ट करना है, तो डिफरेंट सेल्स को जनरलाइज करने के लिए हम लोग अब यहाँ पे एन सेल्स नहीं सपोज करेंगे, बल्कि हम एक बार इस टॉपिक को यानी पार्ट बी में, जिसमें हमने आइडेंटिकल नहीं बल्कि डिफरेंट सेल्स को कनेक्ट करना है, तो हम एक बार इजी करने के लिए टॉपिक को दो ही सेल्स को कंसीडर करेंगे और जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा उसे हम एन सेल्स के लिए जनरलाइज कर देंगे। तो अब हमने ये चीज सपोज करनी है कि बी केस यानी डिफरेंट सेल्स, व्हेन डिफरेंट सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो फॉर इजीनेस वी आर टेकिंग हियर ओनली द टू सेल्स। तो हमने सबसे पहला एक सेल सपोज किया है जिसकी ईएमएफ क्या है, E1, क्योंकि डिफरेंट सेल्स हैं और इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को हम सपोज कर रहे हैं R1, दिस इज योर फर्स्ट सेल। दूसरा सेल हमने सपोज किया जिसकी ईएमएफ की वैल्यू है E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है R2। दीज टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टर है हमारे पास सर्किट में, तो यहाँ पे मैं बना भी देती हूँ कि आपके पास सर्किट में अगेन वही एक्सटर्नल रेजिस्टर है, दैट इज R। अब करंट जो ड्रॉ हो रहा है सेल्स में, दैट इज I। तो इसका मतलब इस पूरी वायर के अंदर या इस पूरे सर्किट के अंदर सेम ही करंट फ्लो करेगा क्योंकि सीरीज में कनेक्शन है। अब हम इस सेल के जो पोटेंशियल्स हैं या पॉइंट्स जो हैं, ये फर्स्ट सेल के दो इलेक्ट्रॉन्स के पॉइंट्स हैं और ये सेकंड सेल, इनको भी हम नेम दे देते हैं। लेट अस मार्क दिस पॉइंट एज एक्स, दिस एज वाई एंड दिस एज जेड। अब अगर हम दो सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो इसी सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट मैं ऐसे भी बना सकती हूँ कि इन दोनों सेल्स को अगर मैं सीरीज में कनेक्ट कर रही हूँ तो सीरीज में इनका कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट जो है वो ईएमएफ तो आएगा, उस ईएमएफ को मैंने ई इक्विवेलेंट सपोज कर लिया, और टोटल सर्किट का जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस का सम है उसे मैंने आर इक्विवेलेंट सपोज कर लिया, और एक्सटर्नल रेजिस्टर जो है वो हमने कैपिटल आर ही लगाया हुआ है। अब ये अगर इक्विवेलेंट सर्किट है तो करंट अगेन क्या ड्रॉ होगा, दैट इज आई एंड दिस पॉइंट इज योर नाउ एक्स एंड दिस पॉइंट इज योर नॉट वाई बल्कि ये क्या होगा जेड। तो बेसिकली ये दोनों डायग्राम एक दूसरे का इक्विवेलेंट ही है। इस डायग्राम में हमने दो सेल्स को अलग अलग से कनेक्ट किया है, दोनों सेल्स में पहले सेल की ईएमएफ है E1, इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 और इन सेल्स की इलेक्ट्रॉड के बीच के जो पोटेंशियल पॉइंट है वो एक्स एंड वाई। दूसरा सेल जो हमने C2 सपोज किया है उसके ईएमएफ की वैल्यू है E2, इंटरनल रेजिस्टेंस है R और दो पॉइंट्स हमने क्या सपोज किए हैं इनकी इलेक्ट्रॉड्स के बीच में, दैट इज वाई एंड जेड। अगर मैं इन दोनों सेल्स को कंबाइन करके एक सिंगल सेल बनाना चाहती हूँ और पता करना चाहती हूँ कि उसकी इक्विवेलेंट ईएमएफ का आंसर क्या होगा, तो इन दोनों सेल्स को कंबाइन करके हमने सिंगल सेल बनाया, उस सिंगल सेल की ईएमएफ को हमने ई इक्विवेलेंट सपोज किया है जिसका एक्सप्रेशन निकालना ही हमारा टारगेट है, और इन दोनों सेल्स को सीरीज में जोड़ने के बाद व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स, उसे हमने क्या सपोज कर लिया आर इक्विवेलेंट, जिसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना ही हमारा टारगेट है। सो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, सॉल्व करना है पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। सबसे पहले अगर हम सेल फर्स्ट की बात करें, इस डायग्राम की मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं पहले सेल की बात करूं तो पहले सेल के जो दो पॉइंट हैं उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम वी एक्स वाई लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेल के जो पोटेंशियल पॉइंट्स हमने सपोज किए हैं वो क्या है एक्स एंड वाई, तो लिखेंगे वी एक्स वाई। सिंस पोटेंशियल वी एक्स वाई कैन ऑल्सो बी रिटन एज पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ द फर्स्ट पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ द सेकंड पॉइंट, तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज वी एक्स माइनस वी वाई। अब हमने अपने पिछले लेक्चर में यानी कल के लेक्चर में हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था कि जो आपके पास वी होता है, वी इज नोन एज अ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तब आता है व्हेन द करंट इज ड्रॉन आउट फ्रॉम द सेल। अब यहाँ पे हमने एक्सटर्नल रेजिस्टर लगाया, हम करंट सेल से ड्रॉ कर रहे हैं और करंट की वैल्यू क्या है आई, तो हम वी को कैसे लिखेंगे, वी विल बी इक्वल टू ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर। ये एक्सप्रेशन हम सॉल्व कर चुके हैं, जहां पे वी का मतलब मैं बता चुकी हूँ, दैट इज द
terminal potential difference, E is the EMF, I is the current drawn from the cell and small r is the internal resistance of the cell. Since ये cell series में है तो पूरे circuit में एक ही current flow करेगा, ऐसा नहीं है कि first cell के लिए current I1 है, second cell के लिए current I2 है, that is wrong. दोनों cell series में है तो पूरे circuit के अंदर एक ही current flow करेगा, that will be equal to I. तो V XY की जगह पे, यानी first cell की मैं बात कर रही हूँ, this is for cell C1. तो V को हम क्या लिख सकते हैं, E माइनस आई आर. तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज E माइनस आई इंटू आर, बट द चेंजेस आर E की जगह हम लिखेंगे, पहले सेल की बात कर रहे हैं तो E1, R की जगह हम क्या लिखेंगे R1. तो दिस बिकम्स योर फर्स्ट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट सेल. सिमिलरली अगर हम सेल 2 की बात करें, फॉर सेल C2, C2 सेल के लिए जो दो पोटेंशियल पॉइंट्स हैं वो क्या है, Y एंड Z. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू पॉइंट Y एंड Z कैन बी रिटन एज VYZ is equal to VY minus VZ is equal to E minus IR, लेकिन E की जगह E2 आएगा और R की जगह क्या आएगा R2. तो this becomes your second equation. दो equation हमारे पास construct हो गई हैं, लेकिन हमें find out क्या करना है, हमें find out करना है net EMF X point और Z point के बीच में कितनी है, क्योंकि इन दोनों cells को जोड़ते ही हमारा ये circuit बना है और इस circuit में दो potential points जो हमारे पास हैं, that is X and Z. तो इसका मतलब for equivalent circuit. तो अगर हम equivalent circuit की बात करें तो equivalent circuit में जो potential point चल रहे हैं वो क्या है, X and Z. तो VXZ को हम कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए X and Z points जब हम series में बात करते हैं तो potential दो हिस्सों में divide होता है, इसका मतलब X और Y के बीच का जो potential है इसको हम VXY suppose कर रहे हैं यहां तक, और Y और Z का difference जो है potential वो हम क्या suppose कर रहे हैं, VYZ. इसका मतलब एक्स जेड पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल होगा वो एक्स वाई प्लस वाई जेड के बराबर ही होगा, इन दोनों का सम ही होना, क्योंकि सीरीज में हमेशा वोल्टेज क्या होती है, डिवाइड होती है, एंड टोटल वोल्टेज वी इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेजेस अक्रॉस बोथ द कंपोनेंट्स. और दोनों कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है यहाँ पे, सेल C1 एंड सेल C2. तो वी एक्स जेड कैन बी रिटन एज वी एक्स वाई प्लस वी वाई जेड, ठीक है. लेकिन वी एक्स वाई की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में हम सॉल्व कर चुके हैं और वी वाई जेड की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में सॉल्व कर चुके हैं, तो इनको सब्सटीट्यूट करें तो लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 वी एक्स जेड इज इक्वल टू E1 माइनस आई इंटू R1 प्लस E2 माइनस आई इंटू R2. आपके पास ये बन गया. अब यहाँ पे EMF को A के ब्रैकेट में कर दो, तो वी एक्स जेड इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस आई, यहां से इन दोनों टर्म्स में से आई को कॉमन निकाल सकते हैं माइनस साइन के साथ, तो माइनस आई विद R1 प्लस R2. अब देखिए जो ये वी एक्स जेड है ये तो इस सर्किट यानी इक्विवेलेंट सर्किट के दोनों पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल की इक्वेशन निकल आई. अगर हम इसे अगर हम इसी को इक्विवेलेंट सर्किट की इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो इक्विवेलेंट सर्किट के लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर दिस इक्विवेलेंट सर्किट वी विल राइट वी एक्स जेड इज इक्वल टू, इस इक्विवेलेंट सर्किट में जो EMF चल रही है उसकी वैल्यू क्या है, उसको हमने सपोज किया है E इक्विवेलेंट, क्योंकि V इज इक्वल टू E माइनस IR होता है, तो लिखेंगे वी एक्स जेड इक्विवेलेंट सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट EMF, दैट इज E इक्विवेलेंट माइनस टोटल करंट ड्रॉन, दैट इज I इंटू R इक्विवेलेंट. तो इस इक्वेशन को मार्क किया थर्ड एंड इस इक्वेशन को मार्क किया फोर्थ. अब हम क्लियरली देख सकते हैं अगर हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करें तो वी फाइंड आउट दैट E इक्विवेलेंट की जगह पे हमारे पास ये वाला फैक्टर आ रहा है और R इक्विवेलेंट की जगह पे हमारे पास ये वाला फैक्टर आ रहा है. इसका मतलब कंपैरिजन से हमें E इक्विवेलेंट का आंसर क्या मिल गया, दैट इज E1 प्लस E2 एंड R इक्विवेलेंट का आंसर क्या मिल गया, R1 प्लस R2. अब अगर हम इसी आंसर को जनरलाइज करें, यहाँ पे तो हमने दो सेल्स कंसीडर किए हैं, तो जनरलाइज करेंगे तो क्या लिखेंगे, E इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज E1 प्लस E2 अप टिल डॉट डॉट डॉट, इफ वी करेक्ट n सेल्स तो वी विल से अप टिल EN. सिमिलरली R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 अप टिल डॉट 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 अप टिल RN. तो यहाँ पे आपका डिफरेंट सेल्स का टॉपिक पूरा हो गया है. नाउ हम इसमें एक छोटा सा केस भी डिस्कस करेंगे. अब यहां पे तो हमने ये सपोज किया है कि आपके पास सेल्स एक ही पैटर्न में कनेक्टेड है, इसका मतलब नेगेटिव जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द सेकंड सेल. बट नाउ इफ आई मेड अ स्लाइट चेंज, जैसे न्यूमेरिकल्स कई बार आते हैं कि अगर हम दो सेल्स को इस तरीके से कनेक्ट करें जैसे कि अब मैं डायग्राम में बनाने वाली हूं, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक.
आपको इनके फॉर्मूलाज याद रखने हैं और इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करने का मेथड भी सीखना है. तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. नाउ इफ से आपके पास फर्स्ट सेल है दिस, दैट इज E1, EMF है उसकी और इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, और सेकेंड सेल मैंने आपको रिवर्स करके कनेक्ट करके दे दिया. नाउ दिस सेकेंड सेल इज कनेक्टेड इन सच अ वे दैट कि फर्स्ट सेल की नेगेटिव इलेक्ट्रोड दूसरे सेल की ही नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्टेड है, और इंटरनल रेजिस्टेंस सेकेंड सेल की R2 और EMF को हमने क्या सपोज किया, E2. अगर हम ये छोटा सा चेंज कर दें तब हम आंसर को कैसे सॉल्व करेंगे, अब वो आपको देखने. अगर हम इस तरीके से सेल्स को कनेक्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, इस केस के अंदर हमने सिर्फ एक छोटा सा चेंज यही करना है. अगेन वही पॉइंट्स कंसीडर कर लो, दैट इज एक्स पॉइंट, दिस इज द वाई पॉइंट एंड दिस इज योर जेड पॉइंट. ये आपका पहला सेल है दैट इज C1 और ये दूसरा सेल है दैट इज C2. इन दोनों की जगह पे इन दोनों सेल्स का अगर हम इक्विवेलेंट बनाएं, इन दोनों सेल्स का अगर हम इक्विवेलेंट बनाएं तो इक्विवेलेंट को हम कैसे लिखेंगे, दिस ई इक्विवेलेंट जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आर इक्विवेलेंट, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है. एंड दीज टू पॉइंट्स विल बी एक्स एंड जेड, दो पॉइंट हमने ये कंसीडर कर लिए. अब इस केस के अंदर अगर मैं वी एक्स वाई लिखूं तो वी एक्स वाई इज अगेन दैट इज E1 माइनस आई इंटू R1, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा, सेम. अभी हम इसकी बात कर चुके हैं कि करंट विल बी सेम, तो करंट सभी में आई ही फ्लो कर रहा है. और अगर हम सेकेंड सेल के लिए इस डायग्राम के कॉरेस्पॉन्डिंग सेकेंड सेल के लिए लिखें तो लिखेंगे वी वाई जेड इज इक्वल टू E2. अब यहाँ पे E2 माइनस में आएगा, माइनस में इसलिए क्योंकि सेल इज कनेक्टेड इन द रिवर्स पैटर्न, ठीक है. तो माइनस E2 माइनस आई इंटू R1, सिर्फ एक चेंज यहाँ पे हमने करना है कि यहाँ पे हमने माइनस E2 लिखना है. तो आपके पास ये सर्किट बन गया. नाउ अगर हम इस सर्किट की जगह पे इक्विवेलेंट सर्किट की इक्वेशन को लिखना चाहें तो इक्विवेलेंट सर्किट में हम क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट के पॉइंट्स क्या है, x एंड z पॉइंट्स. तो v x z यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट x एंड z विल बी इक्वल टू टोटल EMF E equivalent माइनस टोटल करंट दैट इज फ्लोइंग इन द सर्किट इज I एंड टोटल रेजिस्टेंस R equivalent. टारगेट है E equivalent का एक्सप्रेशन ये और R equivalent का एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट करना है. तो अब यहां पे अगेन सीरीज में पोटेंशियल ऑलवेज डिवाइड्स, इसका मतलब Vxz किसके बराबर होगा, Vxy प्लस Vyz के बराबर. अब वी एक्स वाई की वैल्यू इक्वेशन ये पड़ी, फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, E1 माइनस आई इंटू R1 प्लस, अब वाई जेड में क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ E2 माइनस आई इंटू R2. अब E वाले फैक्टर्स को एक ब्रैकेट में कर दो तो इट बिकम्स E1 माइनस E2 माइनस आई को हमने कॉमन किया और ये क्या बन गया, R1 प्लस R2. ये आपके पास वी एक्स जेड है. अब ये वाली जो हमने इक्वेशन निकाली है हमने प्रॉपर सॉल्व करके निकाली है और वो वाली हमने इक्विवेलेंट सर्किट की इक्वेशन बनाई. अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इन दोनों को आपस में कंपेयर करूं तो हमें क्लियरली पता लग रहा है कि ई इक्विवेलेंट का आंसर यहाँ पे क्या बन गया, E1 माइनस E2 बिकॉज द सेल इज कनेक्टेड इन द रिवर्स सेकेंड सेल, और आर इक्विवेलेंट का आंसर आपके पास क्या बन गया है, R1 प्लस R2. तो ये हमने अभी ये सीखा कि एक सेल के साथ जब हमने एक सेल रिवर्स में करा है तो क्या होता है. लेकिन अब क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि यू आर गिवन m नंबर ऑफ सेल्स या n नंबर ऑफ सेल्स, लेट्स से मैंने आपको 12 सेल्स दे दिए, 12 सेल्स में मैं बोल रही हूँ तीन सेल्स को मैंने जो है वो रिवर्स कर दिया, सभी सेल्स की EMF सेम है तो आंसर क्या होगा. तो इस तरह का जो शॉर्ट ट्रिक है इसको सॉल्व करने की या इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. सो प्लीज ऑलवेज सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर द अपडेट्स. अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो डेली आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी एंड आई विल अपलोड द न्यू वीडियोज लेटर ऑन. थैंक यू सो मच.